नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियूजिंग लाइफ हैक्स में। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कितनी तरह की साड़ियों को रियूज करके कितने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस बनाए हैं, जिसमें से कुछ ड्रेस मैं लाई हूँ और मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप अपनी साड़ियों को रियूज करके बहुत ही सुंदर सुंदर पार्टी वेयर या कैजुअल कैसी भी ड्रेसेस बना सकते हैं। आप काफ्तान बना सकते हैं, आप मैक्सी ड्रेस बना सकते हैं, आप जो है कि जो फुल ड्रेस आता है फ्लोर लेंथ वाली गाउन बना सकते हैं, आप फिश कट वाली ड्रेस बना सकते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस बना सकते हैं। तो मैं कुछ ड्रेसेस जो अभी मेरे पास है वो आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो सबसे पहले ड्रेस दिखाना चाह रही हूँ वो ये ड्रेस है। इसको आप लोगों ने पहले भी देखा है, पर मैंने सोचा एक बार आपको याद दिला दूं कि किस तरह मैक्सी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत मैंने बनाई हुई है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर साड़ी थी जिसमें बहुत चौड़े बॉर्डर थे, बॉर्डर को मैंने निकाला है और उससे ये देखिए इस तरह का मैक्सी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मैंने बनाई है। ये पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है। ये मैंने अपने मैरून कलर की साड़ी को रियूज किया था। ये देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी हुई है। इसकी कितना ज्यादा फ्लेयर है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बस सिर्फ ये प्लेटों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये प्लेट से एक बराबर आप डालें और उससे आप बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस तैयार कर लें। ये ड्रेस देखिए, ये एक हाफ नेट साड़ी की ड्रेस थी। इसमें जो आंचल वाला पल्लू वाला जो हिस्सा था वो पूरा नेट पे था, कटिंग वाला नेट था वो, और जो प्लेट्स आती है उसमें ये कपड़ा था। तो इसको मैंने एक अनारकली ड्रेस में कन्वर्ट किया है। ये देखिए ड्रेस कितना खूबसूरत है और ये इसमें मैंने कुछ पैच लगाए हुए हैं। ये एक दूसरी नेट की साड़ी का बचा हुआ था जिसको मैंने किनारे से कटिंग कर करके उसका नेट पूरा निकाल दिया है और सिर्फ जो एम्ब्रॉयडरी है उसी को मैंने इसके स्टिच किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है ये। आप चाहें तो अगर इसको बनाना चाहें तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ कि ये देखिए यही वो साड़ी थी जो मैं बता रही हूँ जिसको मैंने यूज किया है। ये साड़ी का इसका ये पल्लू था और ये साड़ी की प्लेट्स वाले हिस्से से बना हुआ है और ये आप नेट का इसका दुपट्टा देख सकते हैं। इसको मैंने दुपट्टे के लिए रखा हुआ है, इसको मैंने कोई यूज नहीं किया क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये देखिए इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपके पास इस तरह की साड़ियां हो तो आप उसका बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा क्रिएट कर सकते हो और बाकी कपड़े से आप अपने लिए या तो फ्रॉक बना लीजिए या टॉप बना लीजिए या फिर अनारकली ड्रेस बना लीजिए। अब मैं आपको देखिए ये साड़ी दिखाती हूँ, ये कुर्ता दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये साड़ी से ही बना हुआ है। ये एक बंदेज की साड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। उसमें पूरी साड़ी में जाल बना हुआ था और पूरी साड़ी बहुत सुंदर थी, पर पिन लगाने की वजह से वो साड़ी कहीं कहीं फट गई थी बहुत जगह से। और जॉर्जेट की तो एक खूबी भी होती है कि वो जब ज्यादा दिन की होती है तो वो कहीं कहीं से झड़ने लगता है, उसमें छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर थी और मैंने क्या किया कि फिर इस साड़ी को रियूज किया, इसको एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ते में कन्वर्ट किया। आंचल के हिस्से को मैंने पूरा एकदम फ्रंट पे देख के ला दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने हाथ को देखिए किस तरह बनाया है कि जो साड़ी की किनारे थी जिसमें जरी बॉर्डर था उसको मैंने काट करके छोटे छोटे टुकड़े में ये देखिए तीन तरह से इसको जोड़ा हुआ है और इसका आस्तीन तैयार किया है जिसकी आस्तीन बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से कपड़े भी सारे रियूज होंगे क्योंकि साड़ी में इस तरह छेद थी कि बहुत ज्यादा उसमें कपड़ा निकल ही नहीं रहा था, तो मुझे छोटे छोटे कपड़े करके कट करके लगाने पड़े थे। तो इस तरह वो साड़ी मैंने पूरी रियूज कर दी और बाकी जो साड़ी बची हुई थी, साड़ी के जो कपड़े बचे थे उसको निकालने के बाद एक दुपट्टा मैंने किसी तरह निकाला। आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टे में ये जरी वर्क है। मैंने बाकी दुपट्टे में बहुत सारा काम था, पूरा जाल था जिसे मैंने निकाल दिया है और इस तरह की जो बीट्स कहीं कहीं लगे हुए हैं इसको मैंने छोड़ दिया है जो इस दुपट्टे को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। तो इस तरह मेरा एक साड़ी से सूट और दुपट्टा रेडी हुआ है। अब ये देखिए इस कुर्ते को देखिए, ये एक चिकन की साड़ी से मैंने बनाया हुआ है जो कि साड़ी में ब्लाउज नहीं था और मैंने ब्लाउज गलती से निकाल दिया तो साड़ी की लेंथ कम पड़ गई, उसमें प्लेट्स बहुत कम पड़ते थे तो मुझे उसको रियूज करना पड़ा। उसका मैंने एक पूरा कुर्ता तैयार किया है। आंचल के हिस्से को देखिए मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लाया हुआ है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। एक तो इसका कलर इतना प्यारा है और
और दूसरे इसमें जो काम हुए हैं लखनवी चिकनकारी के, जो बहुत ही उमदा तरीके के हैं, बहुत सुंदर है। ये साड़ी मेरी लगभग 16-17 साल पुरानी थी जिसको मैंने यूज किया था। आपने इस साड़ी में मेरे कई अभी सूट में मेरे कई वीडियो देखे होंगे जो कि बहुत ही पहनने पे बहुत प्यारा लुक देता है। अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो शूट किया था मैंने इसी कुर्ते को डाला हुआ था जो कि बहुत सुंदर है। इसमें मैंने एक बॉटम भी तैयार किया था जो बचा हुआ था, ये देखिए इसका पैंट मैंने तैयार किया था। और इसके अलावा भी थोड़े से कपड़े बचे थे जो मैंने अपनी छोटी सी बेटी है उसके लिए काफ्तान तैयार किया था। तो इस तरह एक साड़ी में तीन चीजें मेरी तैयार हुई थी, कुर्ता, बॉटम और काफ्तान। अब आपको मैं ये ड्रेस दिखा रही हूँ, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी क्योंकि इसको मैंने अभी बहुत जल्दी बनाया है। पूरी साड़ी को यूज किया हुआ है जिसमें साड़ी का पूरा जो बॉर्डर था वो नेट का था और लगभग एक बिलोंग बॉर्डर था जो कि बहुत सुंदर बॉर्डर था। और साड़ी बहुत पुरानी थी तो इसको पहना नहीं जा रहा था, तो हुआ कि इसको रियूज किया जाए। तो मैंने इसको देखिए इस तरह रियूज किया है कि मैंने इसका एक कुर्ता बनाया हुआ है और जो बॉर्डर था उसको मैंने फ्रंट पे इस तरह लाया हुआ है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह के बॉर्डर, तीन तरह के थे, एक तो पूरा नेट का था और इसके किनारे के अंदर इस तरह सीक्वेंस के लेस लगे हुए थे। इस लेस को मैंने देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा चौड़ा करके। तो इसके बाद ये कुर्ता इतना खूबसूरत बन गया है कि इसको पहनने पे तो बहुत ही सुंदर लुक आया है इसका। और इसके बाद बहुत सारे कपड़े बचे हुए थे जिसका मैंने एक बॉटम इसका क्रिएट किया हुआ है, देखिए इसका प्लाजो आप देख सकते हैं। और प्लाजो में मैंने देखिए नेट भी लगाया हुआ है जो इसका बॉर्डर था, ये बॉर्डर इसका बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो सीक्वेंस का लेस है उसको भी यूज किया हुआ है, उसके सहित इस प्लाजो को मैंने यूज किया। ये पूरा ड्रेस पहनने बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके अलावा जो नेक का बॉर्डर बचा हुआ था उसको मैंने यूज किया है इसके दुपट्टे में, ये देखिए चौड़े बॉर्डर को मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और बाकी क्योंकि बॉर्डर को भी पूरा एडजस्ट करना था तो बाकी जो बॉर्डर बचा था उसको मैंने दो हिस्से में कट कर दिया, उसको पतला बॉर्डर बना दिया और उसको दुपट्टे के किनारे किनारे इस तरह मैंने लगा दिया। इस पूरे सूट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहती हैं तो उसको जरूर देखें ताकि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके भी दिमाग में आए अपने सूट को रियूज करने का। तो देखिए ये दुपट्टा कितना प्यारा बना हुआ है और ये इस सूट पे ये दुपट्टा तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए मैं आपको ये सूट दिखा रही हूँ, ये सूट नहीं एक काफ्तान है और ये भी एक साड़ी को रियूज करके बना हुआ है। एक साड़ी में दो काफ्तान मैंने बनाए हुए थे जिसमें ये सीक्वेंस का पूरी साड़ी में बॉर्डर था और साड़ी के पल्लू में इस तरह फ्लावर थे जिसको मैंने बिल्कुल फ्रंट पे, ये देखिए फ्रंट पे यूज किया हुआ है। और इस तरह काफ्तान बहुत ही सुंदर हो गया है क्योंकि ये साड़ी तीन कलर में थी तो इसको मैंने किसी तरह जोड़ जोड़ के इसका कलर एडजस्ट किया हुआ है साड़ी का। और इसपे देखिए ये जीन्स वगैरह पे बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर आपके पास साड़ियाँ हो फटी हुई हो या फिर उसको आप रियूज करना चाह रहे हो कि उसको किस तरह रियूज करें तो उसका आप बहुत ही अच्छी तरह से काफ्तान का यूज कर सकते हैं क्योंकि काफ्तान तो बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है पहनने का। अब देखिए एक काफ्तान मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी साड़ी से ही है। एक साड़ी में ये साड़ी जो है कि बहुत ही डल कलर थी और इस तरह की दो साड़ियां थी मेरे पास तो मैंने इस तरह एक साड़ी को मैंने रियूज कर दिया, एक को रख लिया है। इसमें सिर्फ आंचल पे ही काम था, एक जैसे कॉर्नर की तरफ काम नहीं होता है उस तरह इसमें पूरे फ्लावर कॉर्नर की ही तरफ थे तो मैंने इसको उसी तरह से रियूज किया हुआ है कि सारा फ्लावर जो है बिल्कुल फ्रंट पे आए और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच करके काफ्तान का लुक दे दिया है। तो इस तरह आप भी चाहे तो अपने दुपट्टे से या फिर अपनी साड़ी से या उसके आंचल से बहुत ही खूबसूरत काफ्तान अपने लिए बना सकते हैं। अब मैं आपको जो ये सूट दिखा रही हूँ वो एक बनारसी साड़ी को रियूज किया गया है। वो बनारसी साड़ी लगभग 30 साल पुरानी थी और उस साड़ी में जगह जगह से चीर लग गया था, यानी वो जगह जगह से कट गई थी। वो ज्यादा दिन रखने की वजह से उसमें कुछ जंग जैसे निशान थे और जहां जहां वो निशान था वहां से वो साड़ी कट गई थी। तो मैंने क्या किया कि उस साड़ी का जो आंचल वाला हिस्सा था, क्योंकि बनारसी साड़ी का आंचल बहुत हैवी होता है, तो उस साड़ी का जो आंचल वाला हिस्सा था उसका मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज क्रिएट करवाया जो कि आप चाहे तो लहंगे पर उसको मतलब रियूज कर सकते हैं या फिर साड़ी पे, बहुत हैवी ब्लाउज उसका बना हुआ है
और उसका जो बाकी का हिस्सा बचा था उसको हटाने काटने छाटने के बाद ये पूरा एक कुर्ता किसी तरह तैयार हुआ है, जिसमें बॉर्डर भी हटाना पड़ा था क्योंकि बॉर्डर भी इस तरह खींचने पे कुर्ते से मतलब जो कपड़ा था फैब्रिक था वो इस तरह हो गया था कहीं कहीं कि बॉर्डर को इस तरह खींचने से वो फट जा रहा था, निकल जाना था। पूरे बॉर्डर में कुछ नहीं हुआ था लेकिन जो फैब्रिक से जब वो जुड़ा हुआ था तो वहां से कट जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि पूरे बॉर्डर को निकाल के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे बॉर्डर को फैब्रिक के ऊपर स्टिच किया हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने इसको किस तरह बनाया है आप जरूर देखिएगा। तो इस तरह मैंने पूरा एक कुर्ता क्रिएट करा है बनारसी साड़ी से, और ये बहुत सुंदर कुर्ता है। ये ग्रीन प्लाजो या पैंट पे या ग्रीन दुपट्टे पे तो बहुत ही प्यारा लुक देती है। अब आपको मैं एक सिल्क का सूट दिखा रही हूँ। ये मैंने सिल्क की साड़ी को रीयूज करके बनाया था क्योंकि वो बहुत पतले बॉर्डर की साड़ी थी और एक बार भी नहीं पहनी गई थी और मुझे उसे पहनना नहीं था, मुझे उसे रीयूज करना था। तो मैंने किस तरह रीयूज किया है आप देख सकते हैं कि साड़ी का कलर बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा था और उसका बॉर्डर भी बहुत सुंदर था। तो मैंने बॉर्डर को जोड़ जोड़ के उसको चौड़ा बॉर्डर बनाया और उसके बाद उसको मैंने यहाँ पे गले पे किया, ये देखिए आस्तीन पे किया और नीचे भी किया। ये लॉन्ग सूट है, लगभग 48 इंच इसकी लंबाई है क्योंकि मुझे बहुत लॉन्ग सूट चाहिए था और पूरे सूट के पूरे साड़ी का कपड़ा बचा था, उसके ब्लाउज का भी कपड़ा बचा था। तो मैंने क्या किया कि इसको बहुत ही लॉन्ग सूट बनाया है जो कि बहुत सुंदर लगता है। और उसके बाद बॉटम के लिए भी कपड़ा बच गया था, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने इसका बॉटम भी तैयार किया हुआ है। इस कुर्ते की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंचल को ऊपर के हिस्से पे यूज किया क्योंकि इसमें आंचल कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ी थोड़ी लाइनिंग बनी हुई थी तो वो किसी काम की नहीं थी, तो मैंने उसको बॉटम में ऊपर यूज कर दिया है। और इस तरह मेरा ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार हुआ है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के सिल्क की साड़ियां हो जो आप नहीं पहनना चाह रहे तो उसको इस तरह आप यूज करके बहुत खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। अब आपको मैं एक मैक्सी ड्रेस और दिखा रही हूँ जो कि साड़ी यूज करके बना हुआ है। ये एक प्लेन शिफॉन की साड़ी थी जिसमें वेलवेट बॉर्डर था और बहुत हैवी बॉर्डर था, कहीं कहीं इस तरह के पैचवर्क हुए थे जो कि बॉर्डर को बहुत सुंदर बना रहे थे। तो मैंने क्या किया कि एक मैक्सी ड्रेस में उसको रीयूज किया और उसके बाद पैचवर्क को यहाँ पे लगाया हुआ बिल्कुल बेल्ट की तरह। आप देख सकते हैं एक तो इस साड़ी का कलर बहुत प्यारा था और उसके ऊपर से ये जो ब्लू कलर है ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर था। और इस तरह मैंने पूरे ड्रेस एक क्रिएट करी। आप देख सकते हैं कि मैक्सी ड्रेस का पूरा ये वेलवेट बॉर्डर मैंने नीचे यूज किया हुआ है, पैचवर्क भी मैंने सारे नीचे यूज किए हैं। ये एक पूरा पार्टी वेयर ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यदि आपके पास इस तरह की ड्रेसेस हो तो आप बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्लेन शिफॉन की साड़ियों को या पार्टी वेयर साड़ियों को बहुत ही खूबसूरत मैक्सी ड्रेस में, अनारकली ड्रेस में या प्लाजो सेट में उसे बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।